अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। गोल्ड फिलहाल 1810 के आसपास चल रहा है, 1816 के आसपास का हाई बनाया और फिर उसके बाद 1807 के आसपास का लो बनाया। अभी फिलहाल 1810 1811 चल रहा है। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था 1790 का, सुबह के वीडियो में। 1790 ब्रेक करते ही मार्केट ने ज़बरदस्त बाउंस दिया, तकरीबन 20 से $25 का। और अगर आपने मेरा शाम का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें रेजिस्टेंस दिया था 1820 का, तो 1820 नहीं ब्रेक हुआ और 1790 की ब्रेक होने के बाद ज़बरदस्त बाइंग आई। शाम का वीडियो मैं अपने इंग्लिश चैनल पे अपलोड करता हूँ, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं, गोल्ड का क्या क्या है। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1800 का, गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $1820 का। अगर 1800 ब्रेक होता है और मार्केट नीचे सस्टेन करता है तो 1790 और 1780 तक जा सकता है। 1820 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो 1832 और 1844 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। MCX के लेवल मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं, तो MCX के लेवल आप देख सकते हो पूरा वीडियो देखने के बाद। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। ऑलमोस्ट $24 टच किया सिल्वर ने बट सस्टेन नहीं कर पाया उसके ऊपर। अभी फिलहाल 2370 चल रहा है, 2358 के आसपास का लो बनाया है, 2357 टू बी प्रिसाइज। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 24.5 का। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 2350 का। MCX सिल्वर का लेवल वीडियो के लास्ट में है। 2450 अगर सिल्वर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 2450 और $25 तक जा सकता है। अगर 2350 ब्रेक करता है सिल्वर और सस्टेन करता है तो $23 और 2250 भी जा सकता है। 2350 के नीचे ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है सिल्वर में, तो थोड़ा सा ख्याल रखें इस लेवल का। बाकी अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में ही हैं, जब तक सपोर्ट्स ब्रेक नहीं करते तब तक। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था कि डबल टॉप बनने की चांसेस लग रहे हैं। डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है क्रूड ऑयल में और एक अच्छी वीकनेस भी आ चुकी है। अभी फिलहाल 44.20 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है $45 का। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 43.50 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड वीक हो चुका है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। $45 के ऊपर जाता है और टिकता है तो जरूर बायर्स को सपोर्ट कर सकता है, बट अभी फिलहाल वीक जोन में ही है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अब MCX के लेवल देखने से पहले एक बार यूरो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद MCX के लेवल देखेंगे, फिर निफ्टी, फिर बिटकॉइन। यह है यूरो का चार्ट। 2080 चल रहा है, जबरदस्त बाइंग आई कल इसके अंदर, यूरो के अंदर। दो रीजन की वजह से बाइंग आई, एक तो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आ रही थी और ऊपर से डाउ जोन्स और नैसडैक सुबह में गिरे हैं। रात अच्छे बंद हुए थे बट सुबह में थोड़े से डाउन बंद हुए हैं, डाउन खुले हैं, जिनकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई है यूरोप में। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या है। यूरो का सपोर्ट है आज का 2030 का। यूरो का रेजिस्टेंस है आज का 2110 का। 2030 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है यूरो उसके नीचे तो तकरीबन 1990 और 1950 तक जा सकता है। 2110 के ऊपर तकरीबन 2145 और 2190 तक जा सकता है। फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। अब MCX के लेवल देख लेते हैं, उसके बाद बिटकॉइन और निफ्टी के लेवल देखेंगे। MCX में गोल्ड चल रहा है 48,450। MCX का गोल्ड का सपोर्ट है आज का 48,270 और MCX का गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 48,630। MCX के गोल्ड के और सिल्वर के लेवल वापस से रिवाइज करूंगा मैं 5 बजे,
जब INR बंद हो जाएगा तो 5 बजे के लेवल देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबाइए सब्सक्राइब के बराबर में जो है, तो वो दबाने के बाद आपको सारे लेवल्स कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेंगे। अभी सिल्वर चल रही है 62,720, MCX सिल्वर का सपोर्ट है आज का, बासठ हजार 310, MCX सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 63,150। MCX से क्रूड ऑयल के लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं और 5 बजे के बाद वापस से MCX के लेवल भी कम्युनिटी पोस्ट में ही डालूंगा। अब देख लेते हैं निफ्टी और बिटकॉइन को, पहले निफ्टी देख लेते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट, 13,080 के आसपास चल रहा है, 13,150 का हाई बनाने की कोशिश वापस से कर रहा था लेकिन मार्केट ने ऊपर नहीं गया। अभी फिलहाल 13,080 चल रहा है। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 12,960 का, निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 13,160 का। ये निफ्टी के जो लेवल हैं ये स्पॉट के लेवल हैं, ये फ्यूचर के लेवल नहीं है। निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर निफ्टी 12,960 ब्रेक करती है और सस्टेन करती है नीचे तो ज़रूर 12,800 और 12,700 तक जा सकती है, बट अभी फ़िलहाल पॉजिटिव जोन में ही है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। 960 के नीचे ज़रूर मार्केट जो है वो बेयर्स को सपोर्ट करेगी। अब आते हैं बिटकॉइन पे। यह है बिटकॉइन का चार्ट, तकरीबन $18,500 के आसपास चल रही है, 18,971 का हाई है आज का और 18,300 का लो है। 19,000 के पार जाने की कोशिश कर रहा था बिटकॉइन लेकिन जा नहीं पाया आज, आज के अगर आप जब से ओपन हुआ है तब से की बात करो तब, बट अभी भी 18,500 ही चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस है आज का $19,500 का, बिटकॉइन का सपोर्ट है आज का $17,980 का। बिटकॉइन अभी भी वीक जोन में ही बना हुआ है जब तक $19,500 ब्रेक नहीं करता है। $19,500 के ऊपर बिटकॉइन 20,000 और 20,400 तक जा सकता है। 17,980 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 17,700 और 17,300 तक जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट पाने के लिए, और सुबह को जब मैं वीडियो डालता हूँ नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन जब तक नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब। अब मिलूंगा शाम के वीडियो में अपने इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।